हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आयुष शुक्ला है, मैं इलाहाबाद से हूँ एंड आई हैव गॉट रिकमेंडेड इन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री एंड आई हैव रिकमेंडेड फॉर जनवरी 2020 कोर्स। सो मैंने सेंचुरियन एकेडमी 2019 में ज्वाइन की थी फॉर माई SSB प्रिपरेशन एंड द इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इज़ दैट बिकॉज मैंने अकेडमी जो है वो सिर्फ 5 days के लिए ज्वाइन की थी फॉर SSB प्रिपरेशन एंड इट हेल्प्स अ लॉट फॉर मी। द गाइडेंस ऑफ शिशिर सर इज़ वेरी वेल एंड आई यूज टू कम अकेडमी इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, सो टू कवर अप एज मच सिलेबस एज आई कैन फॉर द SSB। सो मैं बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड सो स्टार्टिंग से ही मेरे को था कि डिफेंस में मेरे को जाना है, अपना करियर बनाना है एंड आफ्टर 12th आई हैव सीन द अपॉर्चुनिटी ऑफ नेवी 10+2 बीटेक एंट्री विच इज़ बेस्ड ऑन जेई मेन्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जेई मेन्स का, जिसके बेसिस पे SSB के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और फिर मैंने यहाँ पे आके गाइडेंस ली सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी में एंड दैट गाइडेंस हेल्प्स मी अलॉट। और मेरी जो SSB थी कोलकाता में थी अर्लियर इन 2019, जहाँ पे 70 स्टूडेंट्स जो थे वो रिपोर्ट किए थे एंड आउट ऑफ दैट 10 गॉट स्ट्रीम्ड इन एंड 2 गॉट रिकमेंडेड। सो राइट नाउ आई एम इन INA इंडियन नेवल अकेडमी। आई हैव कम्प्लीटेड माई 1 year ऑफ ट्रेनिंग। आई हैव जॉइंड अकेडमी इन जनवरी 2020 एंड द एक्सपीरियंस ऑफ SSB इज़ दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन आर OIR दैट वॉट वी हैव डन इन आर OIR। हम लोग जो भी जैसा भी अपना OIR देते हैं, फिर अगर हम लोग उस रेटिंग को अपने 5 दिन तक टैली कर लेते हैं, सिंक्रोनाइज करके रखते हैं, सो मेरे हिसाब से उसके बाद सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन कि हम जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं GETO हैं और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं। तो अगर हमारी जो पूरी 5 day परफॉर्मेंस है वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में रहती है और जो उन तीनों ऑफिसर्स के जो परसेप्शन है हमारे लिए अगर वो सेम रहते हैं तो मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन है उसके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का बता दूँ तो इट्स वेरी गुड। INA इट्स इन इजिमाला केरला। सो 1 year मेरे को ओवर हो चुके हैं, 3 years मोर लेफ्ट फॉर दी ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी गुड। ट्रेनिंग में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाता है, आपको स्पोर्ट्स, स्विमिंग, एकेडमिक्स एंड everything, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। इट मेक्स यू अ कम्प्लीट मैन। सो द एक्सपीरियंस ऑफ माई ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई स्टडीज़ फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। आई हैव स्कोर्ड 95% इन माई क्लास 12th एंड 10 CGPA इन क्लास 10th। सो स्टार्टिंग से ही मेरा ये था कि बिकॉज माई फादर इज़ इन डिफेंस, तो मेरे को था कि डिफेंस में एक डिफेंस बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है और इसमें जाना है। तो जस्ट आफ्टर 12th जब मैंने देखा कि मेनली हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जस्ट आफ्टर 12th, NDA एंड आर्मी TS एंड दिस नेवी 10+2 BTech। सो मैंने फॉर्म भरा नेवी का, जिसमें कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया SSB के लिए और मैंने कोलकाता में SSB दी और मैं रिकमेंड हो गया। सो इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग कि जस्ट आफ्टर 12th जो निकलते ही अगर आप सेलेक्ट हो जाएं एक ऑफिसर ग्रेड जॉब के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट आई हैव गॉट सेलेक्टेड इन INA। आई हैव ऑल्सो बीन देयर फॉर 1 year एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट SSB इज मीन्स इट्स जस्ट एन ईजी इंटरव्यू। आप लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं निकल पाएगी या फिर ये कुछ अलग इंटरव्यू है। इट्स नॉट लाइक दैट। SSB इट्स जस्ट अ बेसिक इंटरव्यू। सो इट नॉट लाइक दैट कि इसके लिए कुछ आपको एक अलग होना चाहिए कुछ, या फिर आप कुछ सुपर ह्यूमन नहीं है। जितने भी लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो हमारी तरह होते हैं, नॉर्मल होते हैं। सो मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। मैं भी जब गया था तो मैं बिल्कुल ये सोच ही नहीं गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी गया था कि नॉर्मली मैं जाता हूँ और अपना जो SSB इंटरव्यू दे के आता हूँ, मेरे को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं ये सोच के गया था कि मेरे को 5 दिन मैं वहाँ रहूँगा, मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे अच्छे से एक बार तैयारी करके दे दूँगा। बट जब मैं वहाँ गया और मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया, सो मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि SSB कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो हम लोग जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि SSB क्लियर करते हैं एंड
इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू SSB, सो SSB से डरने की बात नहीं है। एंड मैं अपना जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने जो मेनली जो मेरे को मेंटरशिप मिली थी वो शिशिर सर ने जी थी। एट लास्ट जो टाइम था जब मैं बस निकलने ही वाला था, तब सर ने जो मेरे को गाइडेंस दी थी बेसिकली वहाँ पे, जैसे कि सब लोग कहते हैं, जैसे हम लोग का जो पिक्चर परसेप्शन होता है तो उसमें लोग ये मेंटेलिटी लेके जाते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी है, सिर्फ पॉजिटिव स्टोरी बस यही लिखना है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप मेनली, मैं कहूँगा कि जो जनरल इश्यूज़ जो चल रहे हैं आज के टाइम के, मेनली स्टोरीज उन पे बनाइए, जिससे कि एक अवेयरनेस भी होगी और आप जो स्टोरी बना रहे हैं उसका एक नेगेटिव एंड नहीं होना चाहिए। एंड स्टोरी कैसी भी हो सकती है आपकी। एंड जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे हम बात करें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या, तो इन सब में जो आपका माइंडसेट रहा है पहले का वही वहाँ पे काम आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक घंटे पहले या दो घंटे पहले कुछ नई चीज़ पढ़ लूँ तो उससे एकदम चेंज हो जाएगा, सो वो फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी बात का नहीं रहेगा। बिकॉज साइकोलॉजी जस्ट यही आपका शो करती है कि आपका जो माइंड डेवलप हुआ है अभी तक वो किस वे में डेवलप हुआ है, और वही वहाँ पे आप लिख पाएंगे। बिकॉज वहाँ पे सब कुछ टाइम बाउंडेड होता है, तो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो वर्ड्स आते हैं जिनमें हमें सेंटेंस बनाना होता है, तो आपने भले ही जितना पढ़ा हो बट आपका जो मेन है कि आपका बचपन से आप जो चीज़ जैसा आपका माइंड डेवलप होता आया है, वहाँ पे जब आप बैठेंगे आपको जब 30 सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में आपको सेंटेंस बनाने होंगे तो वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ आपके माइंड में क्लिक करेगी जिसके, मतलब जिस तरीके से आपका माइंड डेवलप हुआ है उसमें सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगी चीज़ वही आप वहाँ पे लिख के आ पाएंगे। सो मेन जो उसमें शिजर सर ने जो हेल्प करी थी, जैसे जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो उसकी सर ने मेरे को अच्छी ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स को लेते हुए हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो एक चीज़ मेरे बहुत काम आई थी। एंड जो बाकी हम लोग के टेस्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग को पिक्चर्स देख के हम लोग को स्टोरीज बनानी होती हैं कंटिन्यूसली, सो उसमें भी आप ये कोशिश करिए कि अगर आपको एक नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है सो बेसिकली आप उसको एक सोशल कॉज या फिर एक जो जनरल अवेयरनेस या फिर कोई भी ऐसा इशू जो कि अभी चल रहा हो उस पर आप एंड करें। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ 1/3 ऑफ दैट SSB, बिकॉज साइकोलॉजी एंड देन G2 एंड देन इंटरव्यू। सो साइकोलॉजी मेनली आपके पूरे माइंड को देखता है, एंड कैसे आपका माइंड डेवलप हुआ है वो पूरा आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में दिखता है। आफ्टर माई सेलेक्शन द लाइफ इज़ वेरी गुड, एंड मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के इलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।